और गोवा की राजधानी पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, जिसका उद्घाटन खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। और इस मौके पर न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय फिल्मों का बाजार बढ़ा है, अब भारतीय फिल्मों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है और वो चाहते हैं कि विदेशी फिल्मों की शूटिंग भी भारत में हो। लगातार सालों से हम लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ बदलाव आता है, इफी को हमने एक ब्रांड बना लिया। मुझे लगता है भारतीय फिल्मों में वो दम है तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को उस स्तर का तो होना ही चाहिए। और मैंने नहीं, ये आप सबके कारण है, क्योंकि जिस तरह से मासिस तक आप काम को लेके गए लोगों तक, ये बहुत ज़रूरी था कि कैसे भारतीय फिल्मों को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान दिलाई और अब अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को भी भारत में निर्माण उनका हो, फिल्म शूटिंग यहाँ पर हो, उसके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव हम लोगों ने दिया है $4 मिलियन का, जो लगभग 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा बनते हैं। इससे रोज़गार स्वरोजगार के अवसर यहाँ बनेंगे, भारतीय कॉन्टेंट उसमें है, उसके 5% अतिरिक्त इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि भारत की प्रोजेक्शन टूरिज्म की दृष्टि से भारतीय कला को, भारतीय संस्कृति को हम उस तरह से भी दिखा सकें। लेकिन जहाँ तक आपका मूल प्रश्न है इफी गोवा को लेकर, ये इसलिए अमिताभ जी बड़ा करना ज़रूरी था कि भारत फिल्में तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बनाता है, लेकिन भारत का फिल्मों का बाज़ार दुनिया के सबसे बड़े में से एक बने। तो आज हमने 5 बड़े बाज़ारों में से एक बना दिया, लेकिन लक्ष्य 3 बड़े बाज़ारों में अगले 3-4 साल में इसको ला के खड़ा करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दुनिया भर के लोगों को लाओ। 1000 के लगभग लोग फिल्म बाज़ार में आए हैं और 3000 फिल्में जो पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा है वो इस बार नॉमिनेशन के लिए आई, इंटरनेशनल प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर, एशिया प्रीमियर और अब इंडिया प्रीमियर, यही लगभग 200 के लगभग हैं। तो ये अपने आप में देखिए कि कितना बड़ा इफ़ी का ये फेस्टिवल हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है।